तो आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम फ्रॉम द असाइनमेंट चैप्टर। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पहले हम डेटा देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड दिस टेबल इज गिवन टू यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 वर्कर है और 4 जॉब्स है एंड दैट इज द रिलेटेड टाइम और इट कैन बी द रिलेटेड कॉस्ट। तो हमें असाइन करना है कि कौन सी जॉब कौन से वर्कर को हम अगर देते हैं तो टोटल जो टाइम लगता है 4 जॉब्स कंप्लीट करने का वो मिनिमम हो। तो ये हमारा डेटा है। पहले हम लिखते हैं मैट्रिक्स। नाउ ये असाइनमेंट प्रॉब्लम का स्टेप्स है। सो फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन टू मिनिमाइजेशन। तो इधर हमको डिस्क्रिप्शन में कुछ भी ऐसा नहीं क्लू दिया है कि ये मैक्सिमाइजेशन का है, तो हम बाय डिफॉल्ट मिनिमाइजेशन का एज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट, कन्वर्ट अनबैलेंस टू बैलेंस प्रॉब्लम। तो उसके लिए पहले हमें देखना है कि ये प्रॉब्लम जो है वो अनबैलेंस है कि बैलेंस है। तो उसके लिए हमें स्क्वायर देखना है, मतलब जितना वर्कर हो उतना ही जॉब होना चाहिए। तो इधर 4 वर्कर है, 4 जॉब है, मतलब ये बैलेंस प्रॉब्लम है। नाउ नेक्स्ट, अप्लाई हंगेरियन और मिनिमाइजेशन मेथड। ये दोनों सेम ही है। हंगेरियन मेथड को मिनिमाइजेशन मेथड भी कहते हैं। तो अब हम अप्लाई करते हैं हंगेरियन मेथड। तो उसका ये पहला स्टेप है, सबस्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो, मतलब मिनिमम नंबर सब रो में पहले फाइंड करो। तो इधर ये फर्स्ट रो में मिनिमम ए है, सेकंड रो में मिनिमम, थर्ड रो में मिनिमम ए, फोर्थ रो में मिनिमम है। नेक्स्ट हम सबस्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ईच रो, दैट इज कॉल्ड एज द रो डिडक्शन। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है फर्स्ट रो में, तो ये 50 सब वैल्यू में से हम सबस्ट्रैक्ट करेंगे। 50-50 0, नेक्स्ट 70-50 20, नेक्स्ट 110-50 60, नेक्स्ट 60-50 मीन्स 10। नेक्स्ट ये 50 को हम सेकेंड रो में से सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा ये नेक्स्ट रिवाइज रो। नेक्स्ट 40 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड रो में से, नेक्स्ट 30 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे फोर्थ रो में से। तो ये कहते हैं रो डिडक्शन। नेक्स्ट स्टेप, सबस्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच कॉलम। फर्स्ट कॉलम में मिनिमम 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं होगी, इधर भी मिनिमम 0 है कोई इफेक्ट नहीं होगी, इधर मिनिमम है 40, ये फोर्थ कॉलम में भी मिनिमम 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब हम करते हैं कॉलम डिडक्शन। तो ये फर्स्ट कॉलम है एज इट इज बिकॉज ऑफ मिनिमम वैल्यू इज 0, सेकेंड कॉलम एज इट इज बिकॉज मिनिमम वैल्यू इज 0, थर्ड कॉलम, तो 40 को हम सबस्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द थर्ड कॉलम। नेक्स्ट फोर्थ कॉलम एज इट इज बिकॉज ऑफ द मिनिमम वैल्यू इज 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ मिनिमम पॉसिबल लाइन विच कवर ऑल 0। अब हमें मिनिमम लाइन इधर ड्रॉ करना है जिससे सारे 0 है वो कवर्ड हो जाए, और ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो आइदर हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए और वर्टिकल होनी चाहिए। पहले सबसे ज्यादा 0 कवर करे ऐसी लाइन आप ड्रॉ करो, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और ये वर्टिकल भी हो सकती है। तो इधर हमको दिखता है सेकेंड रो में 2 0 है और फर्स्ट कॉलम में भी 2 0 है, तो आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट ए 0 हुआ तो उसको हम वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, इफ मिनिमम लाइन्स आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इधर हमारी 3 लाइन हुई और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 4, मतलब 4 रोज और 4 कॉलम्स। तो हमें जाना होगा स्पेशल मिशन पे, मतलब इंटरसेक्शन प्लस अनकवर्ड माइनस। तो ये याद रखने के लिए मैंने मिशन लिखा है, उसमें आपको 2 ऑपरेशन करना है, इंटरसेक्शन प्लस करना है और अनकवर्ड माइनस करना है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले जो भी अनकवर्ड वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना है। तो मिनिमम को दिखता है 10, जिसको बोलते हैं ऑपरेटर। तो आप इधर भी सर्कल कर सकते हो, इधर भी सर्कल कर सकते हो, मतलब मिनिमम वैल्यू जो होती है अनकवर्ड में से वो आपको सिलेक्ट करना है और उसको बोलते हैं ऑपरेटर। तो अब हमें जहां पे भी इंटरसेक्शन वैल्यू है वहां पे 10 प्लस करना है और जो अनकवर्ड वैल्यू है उसमें हमें 10 माइनस करना है। तो इसलिए उसका मीनिंग है इंटरसेक्शन प्लस अनकवर्ड माइनस। तो अब हम नया मैट्रिक्स बनाते हैं और इधर आप देखते हो कि इंटरसेक्शन वैल्यू है तो उधर 10 प्लस हुआ है, ये भी इंटरसेक्शन वैल्यू है तो उधर 10 प्लस हुआ है, और जो
अनकवर्ड वैल्यू है उसमें 10 आपको माइनस करना है, तो मतलब 20 माइनस 10 10, इधर भी 10 माइनस हुआ, इधर भी 10 माइनस है, इधर भी 10 माइनस, इधर 10 माइनस मतलब 0, इधर 10 माइनस, और जिसके ऊपर लाइन है उसको आपको एज इट इज लिखना है, मतलब ये 0 एज इट इज, नेक्स्ट ये 0 एज इट इज, नेक्स्ट ये 70 एज इट इज, नेक्स्ट इधर भी 0 0 एज इट इज, मतलब जिसके ऊपर लाइन है उसको आपको एज इट इज लिखना है। तो आपको दो चेंजेस सिर्फ करना है, जहां पे भी इंटरसेक्शन वैल्यू है उसको आपको प्लस करना है, और जो अनकवर्ड है मतलब ये सारी वैल्यू वहां पे आपको माइनस करना है। नेक्स्ट है रिपीट 6 एंड 7, मतलब वंस अगेन हमें मिनिमम पॉसिबल लाइन ड्रॉ करनी है जो मैक्सिमम 0 कवर कर सके। तो इधर 3 0 है तो मैं पहले वहां पे ड्रॉ करता हूं, नेक्स्ट इधर 2 0 है और इधर भी 2 0 है तो वहीं पे भी मैं ड्रॉ कर सकता हूं। तो वंस अगेन 3 लाइंस हुई, वो एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो अगेन हमें स्पेशल मिशन पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले ऑपरेटर सिलेक्ट करो जो मिनिमम वैल्यू है फ्रॉम अनकवर्ड सेल, तो इधर हम 10 देख सकते हैं, तो 10 इज द ऑपरेटर, और इधर ये दोनों जगह पे इंटरसेक्शन है तो वहां पे 10 प्लस होगा, और ये सारा अनकवर्ड सेल है वहां पे 10 माइनस होगा, तो आप देख सकते हो इधर 10 प्लस इधर 10 प्लस, और ये जो अनकवर्ड है तीनों तीन जगह पे उधर से 10 माइनस होगा मतलब 0, इधर 10 माइनस इधर 10 माइनस इधर भी 10 माइनस, और बाकी की जो वैल्यू है वो एज इट इज लिखना है। वापस आपको रिपीट करना है स्टेप, ड्रो मिनिमम लाइंस विच कवर ऑल जीरोस, तो इधर हम पहले लाइन ड्रो करेंगे क्योंकि वहां पे 4 0 है मतलब मैक्सिमम 0 है, और इधर भी मैक्सिमम 0 है तो आप इधर भी लाइन ड्रो कर सकते हो, इधर भी ड्रो कर सकते हो। तो पहले आपको क्या करना है, मैक्सिमम 0 जहां पे दिखाई दे ऐसी कॉलम और रो तो वहां पे पहले लाइन ड्रो करना है, फिर बाद में उससे कम हो वहां पे लाइन ड्रो करना है। तो इधर हम देख सकते हैं 4 लाइंस हुई, और ये एग्जैक्टली इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो मतलब हम असाइनमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देखो इधर इफ मिनिमम लाइंस आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो हम असाइनमेंट बना सकते हैं। तो असाइनमेंट बनाने के लिए क्या करना है आपको, पहले रो वाइज जाना है फिर बाद में कॉलम वाइज जाना है। तो जब हम पहले रो वाइज जाते हैं तो असाइन ऐसे जीरो को करेंगे जो एक ही जीरो रो में हो, तो इधर हम देखेंगे कि 4 0 है, इधर 2 0 है, इधर 2 0 है, इधर 3 0 है, तो अब हम कॉलम वाइज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो 2 0 है, इधर 3 0 है, इधर 4 0, इधर 2 0 है, मतलब सिंगल जीरो से हमारा असाइनमेंट नहीं होगा। तो अब हमारा दूसरा राउंड होगा जिसमें 2 0 हो वहां पे हम असाइनमेंट करेंगे, तो इधर पहले रो वाइज जाते तो 4 0 है, इधर 2 0 आए, तो आप दोनों में से किसी को भी असाइन कर सकते हो। तो मैंने इसको असाइन किया, आप इसको भी असाइन कर सकते हो। जैसे हम असाइन करते तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में से 0 को कैंसिल करेंगे, तो ये 0 को कैंसिल करते इधर ये दोनों 0 को कैंसिल करते। नेक्स्ट थर्ड रो में भी 2 0 है तो आप किसी को भी असाइन कर सकते हो, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो में 0 कैंसिल करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में से भी 0 कैंसिल करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ रो में भी 2 0 है तो आप किसी को भी असाइन कर सकते हो, और कैंसिल 0 कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम, तो इधर भी 0 कैंसिल होगा। तो ये हमारे रो वाइज राउंड खत्म हुआ, अब कॉलम वाइज जाएंगे जहां पे 2 0 हो, तो उसमें कोई भी 0 बाकी नहीं है, उसमें भी कोई भी 0 बाकी नहीं, उसमें भी बाकी नहीं, और इधर 1 0 है तो हम उसको असाइन कर सकते हैं। एट द एंड हमें ये श्योर करना है कि सब 0 आइदर कैंसल हो जाना चाहिए और बॉक्स हो जाना चाहिए, और अगर हम असाइन करते हैं तो ये जो स्क्वायर बॉक्स है वो एग्जैक्टली इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होना चाहिए। हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 4 है और इधर भी 4 स्क्वायर बॉक्स है, मतलब हमारा प्रॉब्लम करेक्ट है। तो अब हम आंसर लिखते हैं, ऑप्टिमम असाइनमेंट इज, इधर ए बी सी डी जॉब है तो मैं पहले इधर लिख देता हूं ए बी सी डी जॉब एंड हियर 1 2 3 4 वर्कर। तो अब इधर से हम देख सकते हैं कि ए जॉब
थर्ड वर्कर को असाइन करना चाहिए क्योंकि इधर असाइनमेंट है। तो मैं इधर लिखूंगा 3। नेक्स्ट बी जॉब इज असाइन टू वर्कर 2। नेक्स्ट सी जॉब असाइन टू वर्कर 4। नेक्स्ट डी जॉब इज असाइन टू वर्कर 1। तो मतलब ये प्रॉब्लम के एंड में हमको पता चलता है कि ये जो 4 जॉब है ये कौन से वर्कर को हमें देना चाहिए कि हमारा जो टोटल टाइम जो कंज्यूम होता है और ये अगर कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट हमारी मिनिमम हो। तो इधर हम कैलकुलेशन करते हैं कि टोटल मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। तो अब हम देखते हैं ओरिजिनल प्रॉब्लम। तो इधर मैं देखता हूं, अगर मैं जॉब ए वर्कर 3 को असाइन करता हूं तो वैल्यू रहेगी 40। नेक्स्ट बी जॉब को मैं सेकंड वर्कर को देता हूं तो वैल्यू रहेगी 50। सी जॉब असाइन टू फोर्थ वर्कर देन रिलेटेड वैल्यू इज 80। नेक्स्ट डी जॉब इज असाइन टू वर्कर 1 देन रिलेटेड वैल्यू इज 60। तो आप जो सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको मिलेगी टोटल मिनिमम वैल्यू 230। असाइनमेंट प्रॉब्लम से हमें पता चलता है कि कौन सा जॉब किस वर्कर को देना चाहिए तो हमारी टोटल वैल्यू मिनिमम हो, और ये वैल्यू जनरली कॉस्ट और टाइम होता है। सो इफ यू वांट टू सी मोर वीडियोस ऑन ऑपरेशन रिसर्च देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड गो टू प्लेलिस्ट। सो थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स, प्रेस द लाइक बटन टू अप्रिशिएट दिस वीडियो।